गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो टॉपिक क्लियर करेंगे कि मान लीजिए कि जो भी हमारे रिजर्व हैं, प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं, ठीक है, इनको क्या है, जो कंपनी हमारी या बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका शो नहीं करना चाहती है, या फिर वो उनको चाहती है कि वो हमारे बैलेंस शीट में अपनी उसी वैल्यू पर बने रहें, जिस वैल्यू में ऑलरेडी दिए हैं उसी वैल्यू में बने रहें। देखिए, अगर हम प्रॉफिट को या लॉस को या रिजर्व को अगर हम इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो फिर हमारे बैलेंस शीट में दिखाए नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने अब उनको ख़त्म कर दिया है, अब वो अगली बैलेंस शीट में शो नहीं किए जाएंगे। बट अगर कंपनी, मान लीजिए कंपनी ये चाहती है कि हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन ना शो करें और जो इनकी वैल्यू है वो अगली बैलेंस शीट में बनी रहे, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है, अगर किसी भी अमाउंट का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना चाहती है या फिर चाहती है कि उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएं, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएं, तो फिर अगर किसी भी अमाउंट को आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो फिर उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसका एक ट्रीटमेंट होता है उसको करेंगे। उसमें सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, पहले गेनिंग कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग, इसके बाद आप निकालेंगे नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट का यहां पे मतलब है, नेट इफेक्ट का मतलब है कि जिस जिस आइटम को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या जिस जिस आइटम को वो बैलेंस शीट में ले जाना चाहते हैं सेम वैल्यू में, मतलब कि उनमें कोई भी वो चेंजेस नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर वो पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, तो उनको निकालेंगे यहां पे। तो क्या कैसे करते हैं, जितने भी रिजर्व होंगे उन सबको प्लस करेंगे, प्रॉफिट को भी प्लस कर देंगे, इसके बाद लॉस को माइनस कर देंगे, अगर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कोई भी उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है, तो इसके बाद आप इसको टोटल कर लेंगे। हो सकता है प्लस के ज़्यादा और माइनस के कम हो, तो अगर प्लस का ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, उसको बोलेंगे पॉजिटिव नेट इफेक्ट, और अगर इन केस माइनस वाला ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे निगेटिव नेट इफेक्ट, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आता है, मतलब प्लस वाला ज़्यादा आता है, तो उस टाइम पे आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप तब करेंगे जब आपका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो अगर पॉजिटिव है, मतलब प्लस का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे इनका, जो जो गेन कर रहे हैं और जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी आपका नेट इफेक्ट आया है, जो भी आपका नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग रेशियो से और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। गेनिंग वाले पार्टनर्स का निकाला तो गेनिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और सैक्रिफाइस वाले का निकाला तो सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव इफेक्ट आता है, अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है, मतलब कि ये ज़्यादा है और ये कम है, अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो उसकी एंट्री होगी आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट सेम उसी तरीके से निकालेंगे कि नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई गेन शेयर, गेनिंग वाले का निकल आएगा, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस शेयर, तो वो सैक्रिफाइस वाले का निकल आएगा। इस तरीके से हम करते हैं, इन चारों को ट्रीटमेंट करते हैं। हो सकता है इन चारों में से किसी एक का ही पूछे खाली वो, या बोले कि जैसे कि बोले कि हम जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जब वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहता है तो फिर आप उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी को भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मतलब आपने उसको खत्म कर दिया है और वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो अगर आप बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना होगा, ठीक है। रिजर्व आपका प्लस होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन लेके बता रहे हैं आपको कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। चलिए हम आपका ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका जो कल होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन हमने, चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर पहले 20 ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर, भाव्या और साक्षी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2, ठीक है, एंड टू साइड में तो उनकी बैलेंस शीट दी गई है। ऐसे लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो क्रेडिटर हैं, जनरल रिजर्व हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कैपेक दोनों के कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ऐसे साइड में फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट दिया है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, ओके। फिर नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या है, उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया है, अब उनका 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹24,000, और गुडविल की वैल्यू है 24,000। फिर लिखा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, और जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते पार्टनर्स के बीच में, ओके। इतना ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम एंट्री करनी, हमें क्या करनी है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। चलिए जब जनरल एंट्रीज पास करनी तो आपको पता है तरीका, पता है कैसे करते हैं। पहले हम कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का आपको मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू दो दी गई है, एक तो बुक वैल्यू दी गई है, बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 30,000। फिर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू हो गई है 20,000। तो देखिए क्या हुआ, वैल्यू में फॉल हुआ है, फॉल कितने का हुआ है, 10,000 का, ठीक है। और रिजर्व कितने का दिया हमारे पास, 20,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया है, 20,000 का। तो मैंने क्या बताया था, देखिए जब फॉल आपका रिजर्व से कम होगा, जब फॉल आपका रिजर्व से कम होगा तो उस कंडीशन में एंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, कितने से, 20,000 से। फिर करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, 10,000 चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो कौन कौन पार्टनर हैं, दो लोग हैं, भाव्या और साक्षी, तो टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट, टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। जो बचा हुआ 10,000 है वो भाव्या और साक्षी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और किस रेशियो में करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो उनका 3:2, तो 10,000 है, 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक का आएगा 6,000 और एक का आएगा 4,000। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री हो जाएगी। दूसरा है आपकी गुडविल की, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 24,000। गुडविल की एंट्री है, गुडविल की एंट्री आपको जानते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री चलिए कर लेते हैं। गुडविल का आपको मैं एंट्री बता चुका था कि जब भी कोई गुडविल हो, वैल्यूड गुडविल है, देखिए ये आपकी ओल्ड गुडविल नहीं है, गुडविल की वैल्यू की गई है, लिखा भी है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल की वैल्यूड की गई है। तो मैंने बताया था जब भी वैल्यूड गुडविल होगी तो उसको हम एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। जब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, गेनिंग रेशियो और सैक्रीफाइस रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे हम भाव्या का और साक्षी का। तो भाव्या का ओल्ड रेशियो था 3:5, साक्षी का है 2:5, माइनस कर देंगे, उनका न्यू रेशियो क्या है, 1:1, तो -1/2, इसको करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा 1/10, प्लस में आया तो सैक्रीफाइस है, इसको निकाल लेते हैं 10, इसका रहा है -1/10। तो मतलब है कि भाव्या ने सैक्रीफाइस किया और साक्षी ने गेन किया है। तो मैंने आपको बताया तो क्या करते हैं कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो क्या करते हैं, हम गेनिंग को डेबिट कर देते हैं और सैक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देते हैं। तो गेनिंग को डेबिट करेंगे तो लिखेंगे साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट, ये कर देंगे। अब अमाउंट निकालना, तो अमाउंट के लिए मैंने क्या बोला था, गुडविल मल्टीप्लाई उनका जो रेशियो आएगा, 1/10 आ रहा है तो गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 को गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 24,000 दिया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो आपका जाएगा 2,400। तो 2,400 से एंट्री यहाँ हो जाएगी, लिख देंगे बींग वैलिड गुडविल एडजस्टेड, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद अब आपको दिखाना है
जनरल रिजर्व का। देखिए अगर जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न दी होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इंट्री सीधे कर देते। बस इसमें लिखा है कि जनरल रिजर्व का वो डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं या फिर जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में हम सेम दिखाना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी कंडीशन है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, वही वाला है नेट इफेक्ट वाला है। तो नेट इफेक्ट वाले में क्या है, ये जनरल रिजर्व क्या होता है आपका, पॉजिटिव है, प्लस वाला होता है। तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे। तो फिर साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट, ये कर देंगे, और गेनिंग और सैक्रिफाइस में डिवाइड कर देंगे। तो जनरल रिजर्व आपका है 23,400, इसको 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 2340। तो 2340, और फिर लिख देंगे जनरल रिजर्व एडजस्टेड। इसके माध्यम हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नई बैलेंस शीट में याद रखिएगा कि जो हमारा जनरल रिजर्व है वो अपनी फुल वैल्यू में शो किया जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, उनका रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ओके, दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू ऑफ द पासिंग सिंगल एंट्री। मतलब कि ये चाहते हैं कि जो आपकी प्रॉफिट है, रिजर्व वगैरह है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, बट उसका इफेक्ट नहीं चाहते हैं कि उसके उनकी वैल्यू पे कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब बैलेंस में वो उतनी ही वैल्यू पे दिखाई जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम उनकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनका नेट इफेक्ट निकालेंगे और फिर उसको हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में एंट्री कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए हमने बताया था आपको प्रॉफिट रिजर्व को प्लस करते हैं, तो जीआर है आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व 6000 प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट दिया है, तो क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट है, इसको भी प्लस कर देंगे। अगर डेबिट दिया होता तो लॉस हो जाता, इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। फिर दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको माइनस कर देंगे तो 12,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 18,000। ये 18,000 आपका है प्लस में। तो मैंने बताया था जब भी आपका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तब आप क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे। तो आप गेनिंग और सैक्रिफाइस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स का निकालेंगे तो 5/10 - 2/10, वाई का निकालेंगे तो 3/10 - 3/10, जेड का निकालेंगे तो 2/10 - 5/10, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 10 कैल्शियम रहेगा, 5 में 2 हो गया तो 3/10, इसका 0 आएगा, इसका करेंगे तो 10 कैल्शियम लेंगे 2 - 5 तो आ जाएगा आपका माइनस का 3/10। तो देखिए जेड गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया है। तो अब आपका इम्पैक्ट कितना है, 18,000 है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम एंट्री कर लेते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। अब अमाउंट लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई, जेड का निकालना है तो जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 - 5,400, तो जेड का जाएगा 5,400। अब एक्स का निकालना है तो सेम वही है, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई एक्स का सेक्रीफाइस तो 3/10, तो उसका भी आ जाएगा 5,400। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो आप करिएगा इस तरीके क्वेश्चन को। देखिए
अगर कभी भी लिखा है, देखिए नॉर्मली हम बता दें कि अगर कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है तो जितने भी मैंने बताएंगे आपको, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन सभी को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और इसका मतलब होता है कि वो बैलेंस शीट में दिखाए नहीं जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं उनको बैलेंस शीट में दिखाना है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उनका केवल गेनिंग और सैक्रीफाइस में डिवाइड करते हैं। ओके चलिए, अब आते हैं रिवॉल्यूशन पे। रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन ठीक है, रिवॉल्यूशन का रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इसका मतलब है कि जब हमारे रेशियो चेंज होते हैं तो पार्टनर्स ये भी चाहते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं या जो लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन होती है उनकी वैल्यू में क्या चेंजेस आए हैं, वो चीज़ें हैं तो हम उनका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा रिवॉल्यूशन होता है और अगर हमें वो एसेट्स वगैरह का है उनका चेंजेस दिखाना है तो उन चेंजेस को हम दिखाते हैं एक अकाउंट से, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं और साथ साथ उसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम उसके वैल्यूएशन को कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे। उसके दो मेथड हैं, एक तो पहला मेथड है, पहला मेथड उसको बोलते हैं, पहला है वेन चेंजेस इन वैल्यू आर रिकॉर्डेड। मतलब है कि जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज है अगर उनकी वैल्यू में चेंज होता है तो उसको तो बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर उनकी वैल्यू में जो चेंज हुआ है अगर उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर हम उनके चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चेंजेस को शो करना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो कैसे शो करेंगे। अगर हमें एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू में क्या चेंजेस हुए हैं अगर हम उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में करेंगे या फिर उसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर हमें चेंज को रिकॉर्ड करना है तो हम इस अकाउंट के थ्रू करते हैं और अगर चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना है तब तो फिर आपको मैंने जो बताया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में कि हम उनको क्या करते हैं गेनिंग और सैक्रीफाइस में करेंगे, तो वो अभी आपको बाद में बताएंगे। तो पहले है कि अगर हम वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आया है, लाइबिलिटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आया है, अगर उस चेंजेस को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, एंट्री क्या क्या होती है हम ये बता दे रहे हैं। ठीक है, हेडिंग यही रहेगी आपकी। चलिए, पहला है चेंज, हमने क्या बताया एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज। तो चेंज आपका क्या क्या होता है, एक तो एसेट्स है, एसेट में चेंज क्या हो सकता है, या तो एसेट इंक्रीज हो सकती है या एसेट डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, लाइबिलिटीज, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, यही चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे कैसे एंट्री करते हैं। व्हेन एसेट्स इंक्रीज्ड, व्हेन एसेट्स इंक्रीज, जब एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तब एंट्री क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एसेट 10,000 की है बुक वैल्यू में, ठीक है, और अब 15,000 हो गया तो एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। जब एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए एसेट इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या एसेट बढ़ रही है, तो हमने पता है कि अगर एसेट इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं उसको, डेबिट लिखते हैं। तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किस अकाउंट से लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट से, एंट्री करेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट में लिखेंगे बींग इंक्रीज इन, जो भी एसेट्स है अगर लैंड है तो लिख देंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट और लिखेंगे बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, तो बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि एसेट अगर बढ़ती है, ठीक है, तो एसेट क्या हो रही है, जब बढ़ रही है तो मतलब क्या है, आपको पता है कि एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो
ऐसे पड़ेगी तो डेबिट कर देंगे, और रिवेल्यूशन क्या प्रॉफिट है तो रिवेल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, व्हेन एसेट डिक्रीज, व्हेन एसेट डिक्रीज, अगर एसेट डिक्रीज हुई है तो आपको पता है कि अगर एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, एसेट क्रेडिट होती है। एसेट अगर क्या बताया था, अगर एसेट जाती है मतलब डिक्रीज होती है, सेल करते हैं तो डिक्रीज होती है ना, तो एसेट अगर डिक्रीज है तो क्या होगी, क्रेडिट आएगी। तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, नरेशन रहेगी बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, तो ये एंट्री करेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 की एसेट्स है, अब हो गई 8,000 की, तो कितना कम हुआ, 2,000। तो जितना चेंज होगा, याद रखिएगा, इंक्रीज या डिक्रीज मतलब कि जितनी वैल्यू का चेंज होगा, खाली हम वो वैल्यू का चेंज यहाँ पे दिखाएंगे, हम पूरी वैल्यू नहीं लेंगे। अगर 10,000 की है और अब 8,000 हो गई है तो कितना चेंज हुआ, खाली 2,000 रुपये का, तो चेंज केवल कितना 2,000 रुपये का शो करेंगे। ठीक है। ये तो था एसेट्स का, अब लेते हैं लाइबिलिटीज का। व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तब, देखिए जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो मैंने क्या, आप बताइए लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जितने रुपए से लाइबिलिटी बढ़ेगी उतने रुपए से यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया जाए। अगर सपोज मान लो लिख दिया गया कि क्रेडिटर्स 10,000 से इंक्रीज हो गए हैं तो क्या है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो 10,000 रुपए से यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 से। ओके, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीज, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तब क्या होगा, देखिए अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी। तब एंट्री में करेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। ओके, ये चार चीजें हो गई आपकी, चार एंट्रीज ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद दो एंट्री और होंगी यहाँ पे, एक है व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मान लीजिए सपोज आपको पता चलता है कि कोई एसेट है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड रह गई है। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो देखिए अनरिकॉर्डेड मतलब क्या है, उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जब एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे, अपनी बुक में लिखोगे, जब एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री होगी, उस एसेट का नाम लिख देंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो जाएगी, नेशन आएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब एसेट को रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, दूसरा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकती है। कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तब एंट्री करेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, देखिए लॉस अगर होता है आपकी बिजनेस को तो रिवैल्यूएशन डेबिट किया जाता है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो आपको लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्रेडिट जाएगी। जब इतना आप कर लेंगे तो इसके बाद अब एक तरीका है, आपने सभी एंट्री में रिवैल्यूएशन लिखा है तो फिर क्या करेंगे, जितनी बार रिवैल्यूएशन डेबिट किया उनका टोटल अलग कर लेंगे और जितनी बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ उनका टोटल अलग कर लेंगे। तो लिख लेंगे क्रेडिट रिवैल्यूएशन
एक साइड में टोटल का और डेबिट रिवॉल्यूशन का टोटल एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। क्रेडिट रिवॉल्यूशन जहां जहां क्रेडिट में रिवॉल्यूशन हुआ उनका टोटल अलग कर लेंगे और जहां डेबिट में हुआ उनका टोटल अलग कर लेंगे। अब देखिए अगर क्रेडिट रिवॉल्यूशन ज्यादा होता है, अगर क्रेडिट वाला ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में माना जाता है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम। अगर क्रेडिट साइड के रिवॉल्यूशन का टोटल ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। उस टाइम पे एंट्री क्या करेंगे, उस टाइम पे आपकी एंट्री बनेगी, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड का रिवॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है डेबिट साइड के रिवॉल्यूशन से तो जितने अमाउंट से ज्यादा हो रहा है उतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे सपोज मान लो इधर का टोटल हो गया 50,000 और इधर का आ रहा है 45,000, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 5,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट का 5,000 रुपए और बाकी उसी 5,000 को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे। दूसरी इक्वेशन बनती है कि सपोज मान लीजिए रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड की जो एंट्री थी उनका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट का कम हो रहा है। सपोज यहां पे आया 40,000 रुपए और यहां पे हो गया 50,000 रुपए, तो कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। जब डेबिट का रिवॉल्यूशन बड़ा होगा उस टाइम पे क्या होगा, लॉस होता है। जब डेबिट बड़ा होगा तो होगा लॉस और जब क्रेडिट बड़ा होता है तो होता है प्रॉफिट। जब लॉस होगा तो लॉस पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, जब लॉस पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कितने रुपए से ज्यादा है, 10,000 से, तो 10,000 से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करते हैं, ओके। और याद रखिएगा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दो में से एक ही चीज कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज और नहीं होती है। अब एक और आता है, मान लो सपोज एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने रिवॉल्यूशन की प्रोसेस कराई है उसमें कुछ खर्चे हुए हैं, तो देखिए अगर एक्सपेंसेस फर्म के हैं, अगर एक्सपेंसेस फर्म के हैं और फर्म ही पे कर रही है, ठीक है, अगर एक्सपेंसेस फर्म के हैं और फर्म ही पे कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म, अगर एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं और फर्म ने ही पे किए हैं तो उस टाइम पे हम एंट्री करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। देखिए अगर बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर एक्सपेंसेस फर्म के हैं और फर्म खुद ही पे कर रही है, उस कंडीशन में एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पार्टनर, एक्सपेंस इनकर्ड बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, उस कंडीशन में देखिए एक्सपेंसेस कौन इनकर्ड कर रहा है, पार्टनर, मतलब पार्टनर को खर्चे पे करने हैं बट कर कौन रहा है, रियल में फर्म कर रही है, तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश या बैंक अकाउंट एंट्री कर देंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर्स के द्वारा इनकर किए गए हैं बट फर्म ने पे कर दिए हैं तो उस कंडीशन में एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर एक आती है कि मान लो फर्म ने बोला था किसी पार्टनर को कि तुम पूरे एक्सपेंसेस देखना और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे या कुछ रिमुनरेशन दे दूंगा, कि मतलब है कि जो भी फर्म के खर्चे होंगे वो सब तुम देखना और उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए का रिमुनरेशन पे कर दूंगा। तो अगर कोई भी रिमुनरेशन पेड टू
पार्टनर्स, अगर रिमुनरेशन पार्टनर्स को पे किया जाता है तो उस कंडीशन पे आप एंट्री करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होती है अगर एक्सपेंसेस पे करेगा पार्टनर्स और उसको रिमुनरेशन दिया गया है तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आपको तीनों मैंने बता दी एंट्री। अब देखिए, अब इसके बाद कैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट बाकी अब सर आप जानते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, इधर का डेबिट और इधर का क्रेडिट। अब देखिए, अगर एसेट में इंक्रीज होता है, एसेट में इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो अगर एसेट में इंक्रीज होगा तो रिकॉर्ड यहां किया जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं आपका खाली बाई एसेट्स अकाउंट, बाई एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब है इंक्रीज, अगर इंक्रीज हुआ है एसेट में, अगर एसेट में डिक्रीज होगा तो इस तरफ लिखा जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, इसका मतलब है डिक्रीज। ठीक है, अगर लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो इधर आएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर आएगा, क्योंकि क्या होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, तो यहां लिखेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, इसका मतलब है इंक्रीज। ठीक है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो इधर आएगा बाई लाइबिलिटीज, ठीक है, इसका मतलब है डिक्रीज। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो उसको इधर लिखा जाएगा बाई बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर लाइबिलिटीज है अनरिकॉर्डेड तो इधर लिखा जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए, अगर एक्सपेंसेस पार्टनर्स ने पे किए हैं, मतलब कि अगर हमने पार्टनर्स को रिमुनरेशन दिया है फर्म ने, अगर फर्म पार्टनर्स को रिमुनरेशन दे रही तो क्या एंट्री करते थे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस दर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं तो इधर लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, तो यहां पर जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे, आपको पता है अकाउंट्स की टोटलिंग करेंगे, जब टोटलिंग करेंगे तो इसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, अगर क्रेडिट वाला ज्यादा हो रहा है तो वही टोटल यहां पे आ जाएगा और यहां क्या होगा प्रॉफिट, अगर इधर वाला ज्यादा हो रहा है तो यहां पे क्या आएगा लॉस, अगर प्रॉफिट आ रहा है इधर साइड पे। ठीक है, अभी हम इनको साफ कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इधर अगर आ रहा है तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट किसका होता है पार्टनर्स का, तो लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो जो पार्टनर्स उनके नाम लिख देंगे और उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, आप कोशिश कीजिएगा इसको प्रिपेयर करने की, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको एडजस्ट समझाऊंगा, पहले आप एंट्रीज याद कीजिए इसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जब भी हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो इसके बाद जब भी हम एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज मतलब बैलेंस शीट का मतलब है जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे और पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए बनाएंगे तो याद रखिएगा जो नई बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटी आएंगी, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंज हुए हैं वो चेंज करने के बाद दिखाएंगे, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो वैल्यू डिक्रीज करने के बाद दिखाएंगे, जैसे 10,000 की एसेट्स है अब 8,000 हो गई है तो अब बैलेंस शीट में कितनी दिखाई जाएगी 8,000 दिखाई जाएगी, मतलब 2,000 रुपए का चेंज करने के बाद दिखाया जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाई जाएंगी वो वैल्यू चेंज होने के बाद दिखाई जाएंगी, मतलब उनकी वैल्यू जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंज को होने के बाद दिखाई जाएंगी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा।